हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम शुरुआत करते हैं अकाउंट। अकाउंट जो है वो क्लास 11 से शुरुआत होती है मुख्यतः, और हर एक बच्चों को ये बहुत कठिन लगता है कि कॉमर्स में सबसे कठिन सब्जेक्ट जो है वो ये माना जाता है कि अकाउंट है। लेकिन अकाउंट वास्तव में बहुत ही आसान होता है, बस यह है कि समझने और समझाने का अंतर होता है। अकाउंट्स पूरे केवल और केवल तीन नियमों पर आधारित है, जिनको हम अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स कहते हैं। अगर ये तीन नियम हम अच्छे से जान गए तो अकाउंट्स में कुछ भी जानना और समझना कठिन नहीं होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट डे ऑफ अकाउंट कहां से और कैसे पढ़ा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का वर्गीकरण। खाते जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाते, इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरा अव्यक्तिगत खाते, इसको हम लोग कहते हैं इन पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इन पर्सनल अकाउंट। खाते दो प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत खाते और दूसरा अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते मीन्स वे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से खोले जाते हैं। जो खाते किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से खोले जाते हैं वे खाते क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। जैसे मोहन का खाता, रामचंद्र कृष्ण का खाता, किसी कंपनी का खाता जैसे डीसीएम लिमिटेड कंपनी का खाता, दिल्ली विश्वविद्यालय का खाता, स्वामी का पूंजीगत खाता, स्वामी का आरएम खाता इत्यादि। तो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से खोले जाते हैं वे खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अपने नियमों से चलती है, उसी तरह से अकाउंट भी अपने नियमों से चलता है। अगर हम इन नियमों को अच्छी तरह से जान ले तो इसका मतलब यह कि अकाउंट में हमारे लिए कुछ भी जानना या समझना कठिन नहीं है। पूरा अकाउंट्स केवल और केवल तीन नियमों पर आधारित है, जिनको हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट का सबसे पहला नियम, जो नियम और यह नियम जो लगता है वो व्यक्तिगत खाते के लिए लगता है। यह नियम कहता है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। पाने वाले को डेबिट, डेबिट को शॉर्ट में हम लोग डेबिट को शॉर्ट में हम लोग डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में हम लोग सीआर। डेबिट इज कॉल्ड डीआर, क्रेडिट इज कॉल्ड सीआर। पाने वाले को डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि पाने वाला कौन है, आखिर किस व्यक्ति को पाने वाला कहते हैं। पाने वाले का मतलब जिस व्यक्ति को हम कुछ देते हैं, जिसको हमने कुछ भी दिया है, जिस व्यक्ति को हम कुछ देते हैं उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पाने वाला कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम को 100 रुपया दिया,
तो राम कौन हुआ? हम जिस व्यक्ति को देते हैं उसको क्या कहते हैं? पाने वाला। राम को हमने दिया तो राम इसको क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। तो राम पाने वाला हुआ और पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट। और डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डीआर। तो पाने वाले का मतलब जिस व्यक्ति को हम कुछ देते हैं। राम को हमने, राम को 100 रुपया दिया मतलब राम को 100 रुपया हमने दिया, राम उस 100 रुपए को क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। राम कौन हुआ? पाने वाला। और पाने वाले को क्या किया जाता है? डेबिट। इसलिए राम क्या होगा? डेबिट। नेक्स्ट, मोहन को 1000 रुपया दिया तो मोहन कौन हुआ? पाने वाला कि देने वाला? पाने वाला, क्योंकि मोहन को हमने दिया है, मोहन पाने वाला है, इसलिए मोहन को क्या करेंगे? डेबिट। मोहन डीआर। तो ये फर्स्ट नियम है काम का, पाने वाले को डेबिट। पाने वाले का मतलब जिस व्यक्ति को हम कुछ देते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पाने वाला कहते हैं। राम को 100 रुपया दिया मतलब राम को हमने 100 रुपया दिया, राम उस 100 रुपये को क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। राम कौन होगा? पाने। मोहन को 1000 रुपया दिया मतलब मोहन को हमने 1000 रुपया दिया, मोहन कौन हुआ? पाने वाला। इसलिए पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट। और मोहन क्या हुआ? डेबिट। दूसरा, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीआर। मतलब देने वाले को क्रेडिट। देने वाले का मतलब जो व्यक्ति हमको कुछ देता है, जो व्यक्ति हमें कुछ देता है उसको क्या कहते हैं? देने वाला कहते हैं। और देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर। जैसे फॉर एग्जांपल, मोहन से 100 रुपया मिला तो ये 100 रुपया किसको मिला? हमको मिला। किससे? मोहन से। मोहन हमको 100 रुपया दे रहा है तो मोहन कौन हुआ? देने वाला। और देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो मोहन को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये अकाउंट्स का पहला नियम है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। इन शॉर्ट वी राइट डी आर फॉर डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। इन शॉर्ट वी राइट सी आर फॉर क्रेडिट। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट का पहला नियम है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। डेबिट को शॉर्ट में डी आर और क्रेडिट को शॉर्ट में सी आर। तो शुरुआत हमने कहां से की? फिर से एक बार ओवरव्यू। हमने देखा सबसे पहले खाते, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अकाउंट्स। खाते दो प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत खाता और दूसरा अव्यक्तिगत खाता। जिसमें पहला है व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट्स। व्यक्तिगत खाते मीन्स जो खाते किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी से संबंधित होते हैं, या जो खाते किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से खोले जाते हैं वे खाते क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे मोहन का खाता, रामचंद्र कृष्ण का खाता, किसी कंपनी का खाता, डीसीएम लिमिटेड का खाता, दिल्ली विश्वविद्यालय का खाता, बैंक का खाता, स्वामी का पूंजीगत खाता, स्वामी का आरण खाता इत्यादि। हर सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, वो अपने नियमों से चलता है। उसी तरह से अकाउंट समझने के लिए भी अकाउंट्स के पहले हमको बेसिक नियमों को जानना होगा। और जब इन नियमों को हम समझ लेंगे और जान लेंगे तब हम अकाउंट्स को आसानी से समझ सकते हैं। अकाउंट को जानना और समझना उतना कठिन नहीं है जितना कि इनके नियमों के बारे में ना जानना और समझना कठिन। अगर हम अकाउंट्स जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इसको बेसिक नियमों को जानना होगा। जिस तरह से अगर हम मकान मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसकी नींव भी क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए, तभी मकान क्या हो सकता है? मजबूत हो सकता है। अगर अकाउंट्स को हमको मजबूत करना है तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स के नियमों को भली भांति से समझना होगा।
और अगर ये तीन नियम अगर हम समझ गए, इन तीन नियमों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, तो इसका मतलब अकाउंट्स के बारे में कुछ भी समझना और कुछ भी ना समझना कठिन नहीं। सबसे पहले और सबसे पहला नियम, ऑल द अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन थ्री गोल्डन रूल्स। इफ वी नो दिस थ्री गोल्डन रूल्स, दैट मींस वी नो एवरीथिंग इन अकाउंट्स। द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट एंड दिस रूल विल बी अप्लाई इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंटेंसी। तीन महत्वपूर्ण नियमों पर आधारित है। इन तीन महत्वपूर्ण नियमों में सबसे पहला नियम, और ये नियम जो लगता है वो व्यक्तिगत खाते के लिए लगता है। ये नियम ये कहता है कि पाने वाले को डेबिट debit डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट credit क्रेडिट। शॉर्ट में क्या कहते हैं? CR। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट का पहला नियम है, और ये नियम जो लगता है वो व्यक्तिगत खाते के लिए लगता है। और व्यक्तिगत खाते का मतलब ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी से संबंधित होते हैं, वे खाते क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। और व्यक्तिगत खाते का जो नियम है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अब हम ये कह रहे कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट कर, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि पाने वाला किसको कहते हैं और देने वाला किसको कहते हैं। सबसे पहले पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो पाने वाले का मतलब जिस व्यक्ति को हम कुछ देते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पाने वाला कहते हैं। जैसे राम को 100 रुपया दिया, तो राम उस 100 रुपये को क्या कर रहा है? हम दे रहे हैं राम को, तो राम प्राप्त कर रहा है। राम कौन हुआ? पाने वाला। पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट। तो राम को क्या करेंगे? डेबिट। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डी आर। पूरे फुल में क्या लिखते हैं? डी आई डेबिट। देने वाले को क्रेडिट। देने वाले का मतलब जिस व्यक्ति से हम कुछ प्राप्त करते हैं, जो व्यक्ति हमको कुछ देता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? देने वाला कहते हैं। जैसे मोहन से 100 रुपया मिला, तो मोहन हमको 100 रुपया दे रहा है। मोहन कौन हुआ? देने वाला। और देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट। मोहन सीआर। तो ये फर्स्ट रोल है अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। हिंदी में भी है, लेकिन हिंदी में चूंकि अकाउंट्स की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए उसके बारे में जानना या ना जानना बेकार है। अब व्यक्तिगत खातों के प्रकार। व्यक्तिगत खातों को भी तीन भागों में बांटा गया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। और तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू थ्री पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खातों को भी तीन भागों में बांटा गया, पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, जिसमें सबसे पहले और सबसे फर्स्ट खाता जो है वो है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। प्राकृतिक व्यक्तिगत मतलब वे व्यक्ति जो भगवान के द्वारा बनाए हैं, उन व्यक्तियों को हम प्राकृतिक व्यक्ति कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति मनुष्य के द्वारा तैयार न किए जाकर भगवान के द्वारा तैयार किए जाते हैं। द पर्संस हु आर क्रिएटेड बाय गॉड, ये व्यक्ति जो भगवान के द्वारा बनाए गए, वे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक व्यक्ति कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द ह्यूमन, सभी मनुष्यों के खाते, जितने भी मनुष्य हैं वे सभी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। सभी मनुष्य जो है वो प्राकृतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि इन सबका निर्माण भगवान के द्वारा, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोमन इत्यादि, इन सब के खातों को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते करते हैं, बिकॉज दीज आर क्रिएटेड बाय गॉड। सेकंड, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कृत्रिम व्यक्ति, मीन्स वे व्यक्ति जो मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए, भगवान के द्वारा तैयार नहीं किए गए। द
The persons who are created by man are called artificial person. ऐसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित व्यक्ति है, जो काम तो व्यक्ति की तरह करते हैं लेकिन उनके अंदर प्राण या जीवन नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। जैसे कंपनी, संस्था, फर्म, इन सब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये सारे व्यक्ति जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिम व्यक्ति कहलाते हैं। फर्म, कंपनी, संस्था, बैंक, इन सबको हम लोग कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि ये सारे लोग काम तो व्यक्ति की तरह करते हैं परंतु इनका जीवन, इनमें जीवन नहीं होता और इनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया, भगवान के द्वारा। तीसरा, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते मीन्स ऐसे खाते जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के विशेष समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते खाते हैं। जैसे अदत वेतन खाता, या कर्मचारियों को दे वेतन, या कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत चार मुख्य चीजों को शामिल किया जाता है, और ये चार चीजें हैं वो ये हैं। पहला अदत व्यय, दूसरा पूर्वदत्त व्यय, तीसरा उपार्जित आय, और चौथा अनुपार्जित आय। ये चार जो हैं वो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत हम मुख्यतः चार चीजों को शामिल करते हैं। ये है अदत्त व्यय, फर्स्ट अदत्त व्यय या देय व्यय, दूसरा पूर्वदत्त व्यय, तीसरा उपार्जित आय, और चौथा अनुपार्जित या अग्रिम आय। इन चारों को प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हमने देखा कि व्यक्तिगत खाते तीन प्रकार के, पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, और तीसरा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। हर व्यक्तिगत खाते का एक ही नियम है और एक ही सूत्र है, पाने वाले को डेबिट, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर कहते हैं। पाने वाले का मतलब जिस व्यक्ति को हम कुछ देते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पाने वाला कहते हैं। और देने वाले का मतलब जिस व्यक्ति से हम कुछ प्राप्त करते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? देने वाले। यह पहला अकाउंट्स का नियम है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। पाने वाले का मतलब जिस व्यक्ति को हमने कुछ दिया, और देने वाले का मतलब जिस व्यक्ति से हमने कुछ लिया। दिया तो पाने वाला, लिया तो देने वाला। जैसे हमने देखा था राम को 100 रुपया दिया, राम को दिए तो राम कौन हुआ? हम दिए राम को, राम पाए। मोहन से मिला तो किसको मिला? हमको मिला। मोहन हमको दे रहा है तो मोहन को क्या करेंगे? तो जो भी कुछ हमने जिसको दिया वो पाने वाला, और हमने जिससे लिया वो देने वाला। और पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। दूसरा खाता, वास्तविक खाते। वास्तविक खाते रियल अकाउंट्स। वास्तविक खाता जो आता है वो अव्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है, क्योंकि खातों को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते ये व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी से संबंधित होते हैं, वे खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। और अव्यक्तिगत खाते वे खाते जो संपत्ति, आय और व्यय से संबंधित होते हैं, वे खाते अव्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अव्यक्तिगत खातों को भी दो भागों में बांटा जाता है, पहला वास्तविक खाते और दूसरा अभी आएगा आगे वो है आय व्यय। पहला वास्तविक खाते, रियल अकाउंट्स। वास्तविक खाते मीन्स वे खाते जो व्यापार की संपत्तियों से संबंधित होते हैं,
या वे वस्तुएं जिनका मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है और वे खाते जो इनसे संबंधित होते हैं, ऐसे खातों को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक खाते, रियल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता, मशीनरी, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार की संपत्तियां कहते हैं। और जो खाते व्यापार की संपत्तियों से संबंधित होते हैं वे खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। या वे खाते जो ऐसी वस्तुओं से संबंधित होते हैं जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, ऐसे वस्तुओं के खातों को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक खाते। वास्तविक खाते का जो नियम है या वास्तविक खाता ये कहता है कि जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट, और जो संपत्ति या वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कहते हैं। आने वाली वस्तु को डेबिट और या संपत्ति को डेबिट, आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट, आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट, जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट कर। ये दूसरा नियम अकाउंट्स का, जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट और जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माना नगद फर्नीचर खरीदा 1000। अब इसमें यह देख रहा है कि कौन सी वस्तु व्यापार में आई और कौन सी वस्तु व्यापार से फर्नीचर कर रहा हमने, तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर। क्या गया हमारे पास से? 1000 रुपया। और अकाउंट की भाषा में 1000 रुपये को नगद या फिर इसको अंग्रेजी में कैश कर, फर्नीचर कर दे तो फर्नीचर आया, इट इज डेबिट। क्या गया? नगद, कैश, क्रेडिट। और नेक्स्ट, नगद माल बेचा, माल बेचे तो हमने माल बेचा, हमको मिलेगा क्या बेचने पर? रुपए या पैसे? क्या देंगे बदले में? माल बेचे तो क्या हमारे पास आया? कैश, नगद, डेबिट। क्या गया? माल, क्रेडिट। तो ये दूसरा अकाउंट्स का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। शॉर्ट में कह सकते हैं, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। आने वाले को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ये अकाउंट्स का दूसरा नियम। और ये नियम जो लगता है वो वास्तविक खाते के लिए, और वास्तविक खाते का वे खाते होते हैं जिनका संबंध व्यवसाय की संपत्तियों से होता है या ऐसी वस्तुओं से होता है जिनके मूल्य को हम क्या कर सकते हैं? मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या मुद्रा के रूप में मांग सकते हैं। वास्तविक खाते भी दो तरह के होते हैं, या वास्तविक खातों को भी दो भागों में बांटा गया, पहला मूर्त वास्तविक खाते और दूसरा अमूर्त वास्तविक खाते, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। दृश्य वास्तविक खाते या दृश्य भी कह सकते हैं इसको, दृश्य वास्तविक खाते और अदृश्य वास्तविक खाते। पहला दृश्य वास्तविक खाते, दृश्य वास्तविक खाते या मूर्त वास्तविक खाते उन वस्तुओं या संपत्तियों से संबंधित होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको छुआ जा सकता है, जिनका अनुभव किया जा सकता है, वे वस्तु या संपत्तियां दृश्य संपत्तियां कहलाती हैं। और दृश्य संपत्तियां वस्तुओं के खातों को दृश्य वास्तविक खाते कहते हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, रोकड़ इत्यादि। इन सब
संपत्तियों के खातों को दृश्य वास्तविक खाते कहते हैं, क्योंकि इन संपत्तियों को हम देख सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं, इनका अनुभव किया जा सकता है, इसलिए ये संपत्तियां दृश्य संपत्ति कहलाती हैं। दूसरा अदृश्य वास्तविक खाते या अमूर्त वास्तविक खाते। अमूर्त या अदृश्य का मतलब ऐसी संपत्तियां जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जिनको केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे संपत्तियां क्या कहलाती है, अदृश्य संपत्तियां कहलाती है। अदृश्य संपत्तियों के अंतर्गत हम क्या थी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको क्या करते हैं, और दोनों प्रकार के वास्तविक खाते के दृश्य या मूर्त, अदृश्य या अमूर्त, एक ही नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था नगद मशीन खरीदना 2000, इसमें दो खाते प्रभावित हुए, पहला मशीन, दूसरा नगद। और इसमें यह देखना है कि क्या आया, क्या आया, खरीदे तो मशीन आया, इसको डेबिट करेंगे, गया क्या 2000 रुपया, अकाउंट की भाषा में इसको क्या करते हैं, नगद, नगद गया तो नगद को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो जो आया उसे डेबिट, जो गया उसे क्रेडिट। तीसरा आय खाते, नॉमिनल अकाउंट्स, या इनको नाम मात्र के खाते भी कहते हैं, ऐसे खाते जो व्यापार के आय और व्यय से संबंधित होते हैं, ऐसे खातों को हम लोग आय व्यय खाते या नाम मात्र के खाते कहते हैं। व्यय का मतलब खर्च, खर्च का मतलब किराया दिया, वेतन दिया, कमीशन दिया, छूट दी इत्यादि। आय का मतलब किराया प्राप्त किया, छूट प्राप्त की, कमीशन प्राप्त किया इत्यादि। आय व्यय खाते का जो नियम है वो अकाउंट का तीसरा नियम, और यह नियम ये कहता है कि समस्त व्यय और हानि को डेबिट और समस्त आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, ये थर्ड रूल ऑफ अकाउंट्स है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो इस तरह से पूरी अकाउंटेंसी तीन नियमों पर आधारित है, इन तीनों को अंग्रेजी में इन शॉर्ट वी कैन से पी एंड आर, इन वन वर्ड्स वी कैन से ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक शब्द में इन तीनों तरह के खातों को क्या कहते हैं, पी एन आर, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, और एक लाइन में इनका डेबिट और क्रेडिट। ये है पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट रिसीवर, इन तीनों तरह के अकाउंट को एक लाइन में क्या कह सकते हैं, पी एन आर, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। रूल जो तीनों तरह के अकाउंट के लिए एक लाइन में है, रिसीवर एक्सपेंस कम्स इन, क्रेडिट गिवर इनकम्स गोया, दिस इज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रूल्स, पर्सनल, नॉमिनल, रियल एंड रूल्स, डेबिट रिसीवर एक्सपेंस कम्स इन, क्रेडिट गिवर इनकम्स हो जाए। नाउ एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, कैसे नॉमिनल अकाउंट्स को बनाते हैं, व्यक्तिगत खाते में हमने देखा पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, वास्तविक खाते में हमने देखा कि जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट, जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में आय व्यय खाते में समस्त व्यय और हानि को डेबिट, समस्त आय और लाभ को क्रेडिट। इसे वेतन दिया 1000,
वेतन दिया तो वेतन हमारे लिए क्या हुआ, व्यय किया। हमने पहले ही देखा था व्यय का मतलब वेतन दिया, किराया दिया, मजदूरी दिया, जो हम खर्च कर रहे। वेतन दिए तो वेतन नहीं गया क्योंकि ये व्यय, ये नहीं जा सकता। वेतन के रूप में हमारे पास से क्या जाएगा, 1000 रुपया। वेतन व्यय है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट, वेतन को डेबिट करेंगे और वेतन के रूप में हमारे पास से क्या गया, 1000 रुपए, जिसको क्या कहते हैं कैश, कैश को क्रेडिट करेंगे। किराया दिया 500 रुपया, किराया दिया तो किराया नहीं गया, किराया दिए तो किराया हुआ है, किराए को क्या करेंगे, व्यय को डेबिट करते हैं तो किराए को डेबिट करेंगे और व्यय के रूप में हमारे पास से क्या गया 500 रुपया, किराए के रूप में हमारे पास से क्या गया 500 रुपया, 500 रुपये को क्या करेंगे क्रेडिट। आय, आय का मतलब कमीशन मिला, तो कमीशन मिला तो कमीशन हमारे पास नहीं है, ये कमीशन तो आय है, वो कोई वस्तु नहीं है कि जो हमारे पास आएगी। कमीशन के रूप में हमारे पास क्या आया, 5000 रुपया, जिसको अकाउंट के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं कैश, कैश को डेबिट करेंगे और कमीशन को क्रेडिट करेंगे। ब्याज मिला, ब्याज मिला तो ब्याज हमारे पास नहीं है, ब्याज के रूप में हमारे पास क्या आएगा 2000 रुपए, जिसको क्या कहते हैं कैश, कैश को डेबिट करेंगे और ब्याज चुके मिला, ये आय है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो आय मेरे खाते में मुख्यतः ये देखा जाता है कि जो हमने दिया वो व्यय है और व्यय के रूप में हम क्या देते हैं कैश, मिला क्या मिला कैश। तो आय व्यय खाते में आना और जाना जो होता है वो किसका होता है कैश का, व्यय ना तो जाता है और आय न तो आती है। व्यय जैसे किराया दिए तो किराया नहीं जाएगा, किराया व्यय है, किराए को डेबिट करेंगे और किराए के रूप में हमारे पास से क्या जाएगा कैश। कमीशन मिला तो कमीशन हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है, कमीशन के रूप में हमारे पास क्या आएगा कैश और कैश को क्या करेंगे और कमीशन को क्या कैश को डेबिट करेंगे सॉरी और कमीशन को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। किराया दिए तो किराए को डेबिट करेंगे और कैश किया इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। कमीशन मिला तो कमीशन के रूप में हमें क्या मिला कैश, कैश को डेबिट करेंगे और कमीशन को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो ये तीन तरह के नियम जिसको हमने शॉर्ट में क्या कहा, PNR, पर्सनल नॉमिनल रियल, व्यक्तिगत खाते, आय व्यय खाते और वास्तविक खाते। नियम हमने देखा क्या था, डेबिट पर्सनल अकाउंट के लिए, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट के लिए एक्सपेंस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट और रियल अकाउंट के लिए कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। दिस इज द ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रोल्स इन वन शॉर्ट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एक्सपेंस डेबिट, credit, what comes in debit, what goes out credit. If we know these three rules and three types of accounts, that means everything in account seemed very easily we can solve anything. Thank you.